भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2,00,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बाद शोपियां और अन्य क्षेत्रों के किसानों ने सरकार द्वारा लिए गए इस कदम का स्वागत किया। शेख हिलाल ने किसानों के हित में पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा सादर हुआ है कि KCC जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनको नए से 2,00,000 रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होती कि अगर जो ऑलरेडी KCC होल्डर्स हैं जो पे नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से और जो वैली में हालात रहे हैं पिछले साल से, तो वो पे नहीं कर पाए हैं, अगर वही पैसा माफ़ किया जाता या कुछ उसमें से रियायत दी जाती तो ये बहुत ही अच्छा होता। तो वहीं मुबारक अहमद किसान सह सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसी तरह किसानों की स्थितियों को पहचाना है, लेकिन ये केवल उन किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कर्ज में नहीं है, परंतु अधिकतम किसान लगभग कर्ज में है और कई वर्षों से क्षेत्र के मौजूदा कर्जों को चुकाने में असमर्थ है। इसी के साथ उन्होंने मौजूदा किसान क्रेडिट लोन पर भी छूट देने की मांग की। शुपिया में फ्रूट इंडस्ट्रीज का जो यहाँ पे जवाल पजीर हो रही है पिछले कई सालों से, तो नामासद हालात, दूसरा ये हमारा जो ये नेचुरल क्लाइमेटस, तीसरा ये हमारा जो कोविड हो गया है, ये मतलब जवाल पजीर पे आ गई है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, हमारा ये जो फ्रूट है वो ख़त्म हो गया है, पूरा आर्चर से लेकर आरती तक जो है मतलब पूरा मतलब फ्रूट जो है ख़त्म हो गया है, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। जो भी पैसे बैंकों से कर्जा लिया वो कर्जा भर नहीं सकता है, उन लोगों को पैसे मतलब बहुत कर्जा है। मेहरबानी करके अगर आप ये माफ़ी करें KCC और नई जो स्कीम है उसमें भी अगर सूद नहीं होगा 2-3 साल के लिए, तब किसानों को उसे कुछ फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है, 2,00,000 का जो किसान ये जो कृषि विज्ञान स्कीम उन्होंने चालू की है।